Hello, myself Mohammad Afzal Ansari. I have a master's degree from IIT Kanpur. I am mentoring NEET and JEE student for more than 5 years. Today I will discuss a topic from gaseous state, which is Boyle's law. So what is Boyle's law? So definition of Boyle's law says, at constant temperature, the volume of a gas is inversely proportional to its pressure. Okay, so if it keep the temperature constant, agar hum temperature constant rakhte aur gas ka amount bhi fix rakhte, so fix amount of gas at constant temperature, uske volume mein jo change aayega wo uske pressure par depend karega, wo uske inversely proportional hoga, jisko hum mathematically explain karte hain ki pressure is inversely proportional to V. Means, अगर हम volume को बढ़ाते हैं, अगर हम pressure को बढ़ाते हैं, so volume हमारा decrease होगा, और इसका opposite अगर करते हैं कि pressure को कम करते हैं, तो volume हमारा increase होगा at constant temperature and fixed amount of gas, means if its moles are fixed. So, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो कोलिजन मॉलिक्यूल्स के जो वॉल के साथ कोलिजन होता है उस पर डिपेंड करता है. अगर ज्यादा कोलिजन हो रहे होंगे पर सेकेंड, सो ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा, और कम कोलिजन होने पर कम प्रेशर जनरेट होगा एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ओके, सो अगर मैं इस वॉल्यूम को कम कर देता हूं, हाफ कर दिया लेट्स से, So, क्या होगा, गैसेस को मूवमेंट के लिए स्पेस कम मिलेगा, तो अब गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्स के साथ जल्दी जल्दी टकरा रहे होंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही है, और लेट्स से देयर वेलोसिटी इज सेम. ओके, सो ज्यादा कोलिजन की वजह से अपने आप प्रेशर इनसाइड द गैस विल इंक्रीज, एंड दिस इज एक्सप्लेन बाय बॉयल्स लॉ मैथमेटिकली. ओके, इफ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, वी कैन चेंज इट इन टू इक्वालिटी. हम इसे इक्वालिटी में चेंज करते हैं बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग अ कॉन्स्टेंट, सो वी इज इक्वल टू के बाय पी, और वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाते हैं और कॉन्स्टेंट एक तरफ रख देते हैं, तो वी इंटू पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और पी इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो अगर हमें दो कंडीशन दी है, कंडीशन वन वेर प्रेशर है पी वन और वॉल्यूम है वी वन, और किसी दूसरी कंडीशन में प्रेशर है P2 और वॉल्यूम है V2, और बाकी कंडीशन बॉयल्स लॉ की सेटिस्फाई हो रही है, सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा, K के बराबर. दैट मींस ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. ओके, सो लेट्स कम फ्रॉम द डायरेक्ट रिजल्ट. अगर किसी गैस का प्रेशर P0 है और इनिशियल वॉल्यूम V0 है, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, if we double the pressure. So double pressure means volume will be half, because if pressure and volume initially was P0 V0, so product will be P0 V0, so final product should also be P0 V0. So double pressure karne par 2P0 into V0 by 2, the again product will be P0 and V0. Again, if we reduce pressure by 50%, hum pressure P0 by 2 kar dete hain, so volume will be 2V0. Why? Because again we need, the product should be a constant. So again P0 by 2 into 2V0 will give us a value, P0 into V0. Third case, 3P0 by 3. Agar pressure hum change karte hain, to final volume ho jayega 3V0 by 4. Okay, so this is the direct observation from equation PV, or P1 V1 is equal to P2 V2. Now next, what will be the, let's solve a question. At STP, STP, एक मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर है, जो कि जनरली होता ही है. What should be the pressure of gas if volume of the gas is 11.2 liter at same temperature? Means STP पर अगर एक मोल का वॉल्यूम 22.4 है, so
वो प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है जिसपे वॉल्यूम 11.2 हो और टेम्परेचर सेम है. ओके, सो कंडीशन बॉयल्स लॉ की फिर सेटिस्फाई हो रही है, आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं बॉयल्स लॉ, विच मीन्स 22.4 इज द वॉल्यूम एंड प्रेशर वॉज 1 बार. सो P1 इज 1 बार एंड वॉल्यूम इज 22.4 लीटर. नेक्स्ट, इफ यू वॉन्ट टू चेंज द प्रेशर, ओके, सो P2 वॉल्यूम इज गिवेन इज 11.2. फाइनल प्रेशर जो आएगा 11.2 एंड 22.4 आर मल्टीपल्स, सो वी विल गेट 2, सो P2 विल बी 2 बार. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर विच वी कैन डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द टेबल विच वी अर्लियर ड्रॉ. ओके, नेक्स्ट पार्ट फॉर बॉयल्स लॉ इज ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स. पीवी ग्राफ इन बॉयल्स लॉ विल बी रेक्टेंगल हाइपरबोला बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी इज कॉन्स्टेंट एंड इट इज सिमेट्रिकल इफ यू ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विच हैज 45 एंगल. So PV graph, so from this graph we can see if we are increasing the volume, pressure is actually going down. Between next graph, if we talk about pressure and temperature. So in Boyle's law, for the entire range, temperature will remain constant. Temperature will be T0. If temperature is T0, the pressure, whatever be the pressure, if it is increase or decrease, temperature will not change. So temperature will always remain T0. So it's a straight line, a vertical straight line. Again, if we talk about volume and temperature, temperature again in Boyle's law does not change. So its entire range, temperature will remain T0, and volume, if volume increase, temperature will not change. Okay. Let's discuss one more graph, the graph between PV and V. So in this graph, volume can change, but P into V, product into volume, it is constant in gas law. So PV value, product of P into V value will not change. So I will get a straight line, a horizontal straight line in this case. Okay, so these are the four graphs, and with the help of these four graphs we can also make few more graphs. Okay, so this is about Boyle's law. Thank you.